रामराज की पिटाई तेज प्रताप यादव किए हैं, और देखिए हम इस विषय पर कुछ नहीं, आप डर गए, आप अब जो कही आप डर ही गए। हम एक चीज होता है, दलित नेता ऐसे तो बहुत खूब बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कुछ गलत करते हैं, चाहे दलितों के साथ गलत क्यों ना करें, तो आप लोग वहाँ पार्टी गुलाम हो जाए। नीतीश कुमार को समझना बहुत कठिन, मुश्किल ही नहीं असंभव है। हाँ, बिना उस सोचे समझे कोई काम नहीं करते हैं। बिना आई झूठक राजद वाला नाच कूद रहा है कि बोला काहे के लिए राजद वाला, कहियो राजद के साथ आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उनका। राजद में आने से उनको क्या बेनिफिट होगा? नुकसान है, छवि खराब हो जाएगी। नहीं, हम कह रहे हैं पॉलिटिकल क्या उसको एकदम छवि खराब हो जाएगी। हाँ, ज्ञान के वो भंडार हैं, हम इतना उनके बारे में बोलेंगे कि नीतीश कुमार ज्ञान के भंडार। हाँ, ज्ञान भंडार है वो, और टैलेंटेड हैं। हाँ, जो बोलते हैं वो करते नहीं, या जो करते हैं वो बोलते ही नहीं है। मन में हो जाता है तब पता चलता। हाँ, उनको समझना बहुत कठिन है नीतीश कुमार। हाँ, तेजस्वी समझते हैं कि नहीं उनको? बगैर कुर्सी के वो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। कौन? माननीय मुख्यमंत्री। बड़ी खबर बता रहे हैं, आरसीपी सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री। आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? जरूर, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का अध्यक्ष बना देगा। अरे, तो लॉकउस भी जिंदा रहेगा, यहाँ की पॉलिटिक्स भी हाथ में रहेगी, और अपने सत्ता में भी बरकरार रहेंगे, और दोनों अपने आदमी रहेंगे। दोनों अपने आदमी रहेंगे, नीतीश जी वहीं से राजनीति खेलेंगे। हम क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे चिराग जी को? अरे आखिर है कौन अभी? लेकिन क्या अभी है कौन अभी, मतलब ये नहीं समझे सर। एक नंबर के लाइन में दलितों की ओर से कौन नेता है अभी लड़ने वाला युवा में बिहार में? चिराग आपको तैयार करना होगा ना, तो चिराग ने अपने आप को तैयार किया है। चिराग पासवान ऐसे हाथ जोड़े थे, नीतीश कुमार ऐसे हाथ जोड़े। हाँ, बहन जी अम्बेडकरवादी कहाँ रही? अब कहाँ बहन जी अम्बेडकरवादी हैं? बहन जी तो हो गई वर्मा, हाथी नहीं गणेश है, वर्मा विष्णु महेश है, तो अब अम्बेडकरवादी हो रही कहाँ? वो तो समझौतावादी हो गई। तो 24 कैरेट कौन है? समाजवाद है आरजेडी में? आज हमारी गाड़ी खड़ी है बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी के घर के बाहर, जो कि अब राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। साजिश इनके घर से नहीं हो रही है। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की। सर, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से भी आते हैं। एक मुद्दा चल रहा है अभी, इफ्तार पार्टी में ये होगा वो होगा वो होगा। लोजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुन्ना जी, वो भी बोले हैं कि 6-7 दिन में कुछ खेल हो जाएगा, अलग सा बदलाव होगा। धीरेंद्र कुमार मुन्ना भी बोले हैं, और इस तरह की खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? देखिए, रमजान का महीना है जी, और रमजान प्रेम मोहब्बत भाईचारे का त्यौहार होता है, और परंपरागत तरीके से शुरू से ही जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है तब से राष्ट्रीय जनता दल हर साल रमजान के अवसर पर आफ्तारी पार्टी का आमंत्रण करती है, जिसमें सभी दल के प्रमुख प्रशासनिक राजनीतिक सामाजिक सब लोगों को आमंत्रित करती है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया गया, तो आए। हर बार नए जाते सेम दिक्कत है, अबरी का है 5 साल बाद गए। लेकिन इससे ये लगा लेना कयास कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं इधर, माननीय नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, कि बगैर कुर्सी के वो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। कौन? माननीय मुख्यमंत्री। तो बगैर कुर्सी के कौन रहना चाहता? बता रहा हूँ, और अभी वो रिटायर करने योग्य भी नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री रह ही चुके वो। हाँ, अब तो 3 बार रहे, इतना दिन कोई मुख्यमंत्री बिहार में रहा नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री तो हमेशा लिखे जाएंगे, और 2 बार हो जाएंगे तब भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा तो नहीं। लेकिन अब उनका इरादा हमको लगता है कि मेरा ये अपना अनुमान है कि राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनना चाहते, लेकिन बीजेपी इनको बनाएगी नहीं,
तो उपराष्ट्रपति ये बन सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जब तक ये डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, माने उम्मीदवार के रूप में, तब तक ये यहाँ रिजाइन भी नहीं करेंगे। सब सिचुएशन हमको वही लग रहा है। और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए 7,000 एक्स्ट्रा वोट की ज़रूरत है, जो एनडीए के पास अभी नहीं है। शायद ये भी एक बात हो सकती है उनकी लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कल चिराग जी को ही बुला के उन्होंने बात किया, तो ये सब हो सकता है। बातें नहीं किए, चिराग पासवान ऐसे हाथ जोड़े थे, नीतीश कुमार ऐसे हाथ जोड़े थे, तो चिराग जी को ही उन्होंने कहा, पीठ भी ठोका उन्होंने, उनका सम्मान भी किया। हम सब लोग नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं। तो एक तो ये मुझे कारण समझ में आता है कि 7,000 वोट का इंतजाम हो रहा है, माइल्ड किया जा रहा है, माने इफ्तारी में जाने के पीछे वजह है 7,000 वोट। हो सकता है, हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर है नहीं, न उसमें मेरा विश्वास है, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण बता रहा है उस समीकरण के आधार पर कह रहे हैं 7,000 वोट, केवल 7,000 वोट घटता आज के तारीख में एनडीए के पास, तो ये हमको लगता है। तो 7,000 वोट खाली बिहार से हो जाएगा। पहले देखिए, 3-4 बात हम ना कैलकुलेट करते हैं कि क्यों जा सकते हैं। जैसे विदाई किसी का किया जाता वैसे ही अपना ये नालंदा फतुहा बख्तियारपुर घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि बहुत आप लोगों ने मदद की, आप ही लोगों के कारण इतनी ऊंचाई तक चढ़े, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब कहने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक नहीं कहते थे जाके कह रहे हैं। और हमको एक ही ये रीजन लगता है कि हो सकता है कि फिर मुख्यमंत्री आवास छोड़ के 7 नंबर में भी चले गए हैं वो। ये तो प्रिपेयरिंग वाला मामला। अरे भाई, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और ज्ञान के वो भंडार हैं, हम इतना उनके बारे में बोलेंगे कि नीतीश कुमार ज्ञान के भंडार। हाँ, ज्ञान भंडार है वो, और टैलेंटेड हैं। हाँ, जो बोलते हैं वो करते नहीं, या जो करते हैं वो बोलते ही नहीं है। मन्ने में हो जाता है तब पता चलता। हाँ, उनको समझना बहुत कठिन है नीतीश कुमार। हाँ, तेजस्वी समझते हैं कि नहीं उनको? भाई, हम तेजस्वी की बात केवल थोड़े कर रहे हैं, उनके साथ रहने वाले लोग भी नहीं समझते हैं, जो अगल बगल रोज दिन है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को समझना बहुत कठिन, मुश्किल ही नहीं असंभव है। हाँ, वो इसलिए हमने उनको कहा ज्ञान के भंडार हैं। दो बात वो नहीं करते हैं, सुन लीजिए। एक तो किसी से वो लड़ते नहीं हैं, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलते हैं जल्दी, व्यक्तिगत हमला भी नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जो करते हैं वो दूसरे को पता नहीं चलने देते हैं, पेट से निकल भी नहीं करता उनका कोई बात। कहना क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लालू जी बोले कि नहीं? हम लालू जी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। ये दूसरे, उनसे निकलवाना बहुत मुश्किल है, पेट का बात नहीं निकालते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन उनका, सुना है कि सभी विभागों से अपना NOC भी ले रहे हैं धीरे धीरे करके, या जो गांव सब में घूम रहे हैं लोगों से उनको जो धन्यवाद दे रहे हैं, ये घटना 7 नंबर में जाना, ये सब एक तरह से धीरे धीरे करके एक तैयारी के रूप में है। विरोधी दल के खेमा में सभी लोगों से मिलना, ये सब अंडर प्लान उनकी बात लगती है हमको कि ये हो रहा है और ये उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब सवाल उठता है कि बिहार का मुख्यमंत्री तब कौन होगा, ये भी एक सवाल है। हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, भविष्यवाणी करता नहीं, लेकिन जो सिम्टम बता रहा है, बिना भाजपा के तो कोई मुख्यमंत्री यहाँ बन नहीं सकता है। तो भाजपा को अगर विश्वास होगा, JDU के किसी नेता पर, तो RCP सिंह होंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं, RCP सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री। RCP सिंह बिहार के मुख्यमंत्री होंगे जरूर, हो सकते हैं। OBC हैं? OBC ही नहीं ना है केवल, एक तो वो भी है और दूसरा है कि वो जो इनका वोट बैंक है लॉकुस वाला, उसका एक पार्ट है वो, तो इनका। और फिर आप कहेगा तो लॉकुस इसमें कहाँ आएगा?
तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का अध्यक्ष बना देगा। अरे तो लॉकुस भी जिंदा रहेगा, यहाँ की पॉलिटिक्स भी हाथ में रहेगी और अपने सत्ता में भी बरकरार रहेंगे और दोनों अपने आदमी रहेंगे। नीतीश जी वहीं से राजनीति खेलेंगे। हाँ, जो करना होगा। हाँ, तो हालांकि उपराष्ट्रपति रहेंगे, उपराष्ट्रपति लेकिन वो आदमी इतना दिन मुख्यमंत्री रहे हो। हाँ, बिना उस सोचे समझे कोई काम नहीं करते हैं। बिना झूठक राजा दौला नाच कूद रहा है कि बोला काहे के लिए राजा दौला, कहियो राजद के साथ आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उनका। राजद में आने से उनको क्या बेनिफिट होगा? नुकसान है, छवि खराब हो जाएगी। नहीं, हम कह रहे हैं पॉलिटिकल क्या उसको एकदम छवि खराब हो जाएगी। हाँ, राजद में आने के लिए हम आपको कहेंगे कि अगर आना हो तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बांध करके और फिर दिल्ली का पॉलिटिक्स करें, ये हो सकती है बात एक। जो करेंगे जो नहीं करेंगे। आखिर कांग्रेस के अफ्तारी में उन्होंने भेजा श्रवण कुमार को, एक और कौन गए थे नाम भूल रहे हैं, दो आदमी गए थे। कितने दिनों के बाद कांग्रेस के यहाँ काहे के लिए? तो सबको ये माइल्ड करके रखना चाहते हैं। अच्छा, चिराग को लेके क्या है मामला? अब चिराग एमपी है ना भाई। हाँ, तब मामला क्या सवाल? एमपी है ना, तो वोट एक है ना। वो भी आपका क्या आरजेडी के साथ जाने आने वाला मामला बताइए सर। चिराग जी तो हनुमान है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हनुमान है। जब तक वो हनुमान से नहीं छुटकारा पाएंगे बनने से, तब तक क्या होगा? अभी तो एक तरह से समझिए कि दलित पॉलिटिक्स में अगर चिराग जी आ जाएं और रिस्क लेकर के अगर सबको छोड़ के करें तो एक बड़ा चेहरा बन सकता है। आशीर्वाद है, क्यों नहीं? हम क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे चिराग जी को? अरे आखिर है कौन अभी? लेकिन क्या अभी है कौन अभी, मतलब ये नहीं समझे सर। एक नंबर के लाइन में दलितों की ओर से कौन नेता है अभी लड़ने वाला युवा में? बिहार में चिराग आपको तैयार करना होगा ना। तो चिराग ने अपने आप को तैयार किया है, विरासत में मिली है चिराग को, लेकिन अब विरासत में मिलने के बाद उसका उपयोग कैसे करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। पूरा बिहार तो घूम रहे हैं। खाली घूमने से नहीं ना होगा, हनुमान बन के घूमते रहिए। लाइन क्या है आपका? अंबेडकरवाद के पक्ष में घूम रहे हैं आप कि नागपुर के पक्ष में घूम रहे हैं? अंबेडकरवाद अकेले, सिर्फ अंबेडकरवाद के मामला करेंगे ना सर। हाँ, तो दलितों को वोट नहीं मिलता, दूसरों नहीं, सब वोट मिलेगा, हो जाएगा खड़ा तो एक बार चिराग हो जाए। तो आपके आपकी पार्टी के नेता कहे ना अंबेडकरवाद में खड़ा होते, तेजस्वी यादव को कहिए क्या अंबेडकरवाद? तो वो तो जा रहे परशुराम की जयंती मनाने। कौन कहाँ जाता है वो दूसरी बात है। हम जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, इसी उस समुदाय का अगर कोई बेनिफिट होने वाला है, उस समाज को अगर सम्मान मिलने वाला है, तो अब तक जो सम्मान मिला है वो अंबेडकरवाद के कारण ही मिला है। यह संविधान है तब मिला है। लेकिन वोट ही नहीं मिलता अंबेडकरवाद के नाम पे। बहन जी को कहे नहीं वोट मिला? बहन जी अंबेडकरवादी कहाँ रही? अब कहाँ बहन जी अंबेडकरवादी हैं? बहन जी तो हो गई वर्मा, हाथी नहीं गणेश है, वर्मा विष्णु महेश है, तो अब अंबेडकरवादी रही कहाँ? वो तो समझौतावादी हो गई। 24 कैरेट कौन है? समाजवाद है आरजेडी में? 24 कैरेट कौन बनावेगा अपने आप को? जो बनावेगा, जो पावेगा 24 कैरेट थे काशीराम जी? वो थे, हम मानते थे। काशीराम जी जब थे तो अपने सभा में पहले ही कह दिया करते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। किसी जाति का नाम नहीं लेते थे, आपको सिंबॉलिक समझना है। और कहते थे कि आप हाथ जोड़ के, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरी सभा से चले जाएं, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, ये कहते थे। तो लालू जी भी तो, लालू जी भी तो कहते थे सर। मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। अच्छा, लालू जी के यहाँ भी नारा था बुरा बाल साफ करो? नहीं, फिर देखिए ये बात कभी लालू जी ने नहीं बोला कि बुरा बाल साफ करो, ये उनके मुँह में जबरदस्ती कोंच के डाल दिया गया बदनाम करने के लिए।
लालू प्रसाद जी ने कभी इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं था उस समय में उनके साथ, मैं जानता हूँ ये प्रयोग उन्होंने नहीं किया कभी। अच्छा, लालू जी अब आ रहे हैं, क्या एक खबर चल रही कि रामराज की पिटाई तेज प्रताप यादव किए हैं? और देखिए, हम इस विषय पर कुछ नहीं, आप डर गए, आप अब जो कही आप डर ही गए। हमने एक चीज़ होता है, दलित नेता ऐसे तो बहुत खूब बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कुछ गलत करते हैं, चाहे दलितों के साथ गलत क्यों ना करें, तो आप लोग वहाँ पार्टी गुलाम हो जाए। बात सुनिए, हमको जो बोलना होगा कुछ किसी के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, तो हम मीडिया में बोलेंगे कि हम अब प्राइवेट रूम में बोलेंगे, अपने पार्टी फोरम पर बोलेंगे? नहीं, एक्शन लेने की बात जो चल रही है। नहीं नहीं, कोई भी बात हो हम मीडिया में नहीं ना बोलेंगे, हम प्राइवेट रूम में पार्टी फोरम पर बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। चलिए, तो नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इफ्तार वाला में भ्रमण कर रहे हैं। 7,000 वोटों की ज़रूरत है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अच्छी विदाई चाहते हैं बिहार से नीतीश कुमार, सबका साथ ले रहे हैं और अपने क्षेत्र में भी जाके कह रहे हैं कि आज जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं आपकी बदौलत पहुँचे। इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर इनके तरफ से आ रही कि RCP सिंह जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, रेलवे मंत्री थे, तब भी अधिकारी के तौर पर उनके साथ थे, दिल्ली में IAS अधिकारी थे, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से, तो ये इनके तरफ से कहना है कि नीतीश की जगह वो ले सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और इस तरह नीतीश के हाथ में ही सब कुछ होगा जदयू का, और रहेंगे वो BJP के साथ ही। तो फिर बिहार में BJP के अकेले की सरकार कब बनेगी? ये जब हो जाएगा तो उनका लौकुश वाला वोट वो उनके साथ रहेगा, इसलिए ही करेंगे। BJP अकेले अपना मुख्यमंत्री कब होगा जो BJP की डिमांड है? हो सकता है BJP में ही चले जाएं, RCP उनको मान लेगा। चलिए, तो ये भी हो सकता है कि RCP सिंह आगे चल के BJP में ही चल जाएं और जदयू का विलय कर सकते हैं, ये आगे की बात। ये रामचंद्र प्रसाद सिंह जी BJP के बहुत करीब हैं आजकल, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, चलिए, तो ये भी हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। YouTube का, Facebook पे वीडियो देख रहे, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।